वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार व्यास और आप देख रहे हैं सितारों की दुनिया। बॉलीवुड हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका, जिन्होंने 40वें और 50वें दशक में हिंदी सिनेमा में अपना मुख्य योगदान दिया। उनकी अदाओं में नज़ाकत, गायकी में नफासत की मलिका ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। सुनहरे दौर की सबसे सनसनीखेज अभिनेत्रियों में से एक, सुरैया को उनके ड्रॉप डेड खूबसूरत रूप और सुरीली आवाज़ के लिए याद किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के कार्यक्रम की मेज़बानी से शुरू हुआ एक करियर नाटकीय रूप से बढ़ गया, क्योंकि उसने गायन और अभिनय दोनों के लिए भारतीय सिनेमा की दुनिया पर विजय प्राप्त की। बादाम जैसी आंखों वाली इस क्लासिक सुंदरता का ऐसा प्रभाव था जिसने उसे पार करने वाले हर दर्शकों का ध्यान खींचा। दिलचस्प बात यह है कि कई बार मुंबई की सड़कें कारों की लंबी लाइन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए जाम हो जाती थी क्योंकि लोग सुरैया नाम की करिश्माई अभिनेत्री की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को गुंजरावाला, पंजाब में हुआ था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। सुरैया नाजो से पली सुरैया ने हालांकि संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन आगे चलकर उनकी पहचान एक बेहतरीन अदाकारा के साथ एक अच्छी गायिका के रूप में भी बनी। सुरैया ने अपने अभिनय और गायकी से हर कदम पर खुद को साबित किया है। 1948 से 1951 तक केवल 3 साल के दौरान सुरैया ही एक ऐसी महिला कलाकार थी जिन्हें बॉलीवुड में सर्वाधिक पारिश्रमिक दिया जाता था। हिंदी फिल्मों में 40 से 50 का दशक सुरैया का नाम कहा जा सकता है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई में उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते थे और यातायात जाम हो जाता था। एक बात ऐसी भी थी जब जीत फिल्म के सेट पर देव आनंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और सुरैया को 3,000 रुपये की हीरो की अंगूठी भी दे डाली थी। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्हें अभिनय के साथ ही पार्श्व गायन में भी निपुणता हासिल की थी, और इस वजह से उन्हें अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से बढ़त मिल गई थी। यहां तक कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सुरैया की महानता के बारे में कहा था कि उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की शायरी को आवाज़ देकर उनकी आत्मा को अमर बना। सुरैया बीते सालों के दिल की धड़कन देव आनंद के साथ रोमांटिक रूप में शामिल होने के लिए प्रसिद्ध रही है। इस जोड़ी ने 1948 से 1951 तक 3 साल की अवधि में 6 फिल्मों में अभिनय किया। विद्या, जीत, शायर, अफसर, नीली और 2 सितारे। ऐसी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा हुआ कि सुरैया को ले जा रही नाव पलट गई। देव आनंद ने उसे बचाया। उनके बहादुरीपूर्ण कार्य से प्रभावित होकर सुरैया को तुरंत उनसे प्यार हो गया, लेकिन धार्मिक विवादों के कारण उनकी दादी ने उनके रिश्ते का विरोध किया। नतीजतन अफेयर और रिश्ता टूट गया और सुरैया ने शादी नहीं करने का फैसला किया। वह जीवन भर अविवाहित रही। सुरैया मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। संक्षिप्त बीमारी के बाद 31 जनवरी को हरकिशन दास अस्पताल में उनका निधन हो गया। तब वह 74 साल की थी। सुरैया को मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया।